हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। अभी बारिशें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और स्टार्ट होने वाली हैं सर्दियाँ। ऐसे में 4 से 5 ज़रूरी ऐसे काम हैं जो गार्डन में आपको कर लेने चाहिए अगर आप सर्दियों में अपने पौधों को हरा भरा देखना चाहते हैं। ये काम अगर आप कर लेंगे तो आपके पौधे सर्दियों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ पर रहेंगे और दिखने में भी सुंदर लगेंगे। कोई भी पौधा खराब नहीं होगा या किसी आपकी गलती से खराब नहीं होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं कुछ डिफरेंट वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताती हूँ वो 5 जरूरी काम जो अभी अक्टूबर में आपको कर लेने चाहिए। तो दोस्तों बारिशों के जाने के बाद एक चीज आपने अक्सर नोटिस की होगी, वो ये कि मिट्टी जो है गमलों की बहुत हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है या फिर उसमें दरारें बन जाती हैं, पानी डालते ही साइड से पानी निकल जाता है। तो ऐसे में पौधे को पोषण नहीं मिल पाता है और ना ही प्रॉपर पानी मिल पाता है। मिट्टी सख्त होने के कारण जड़ों में ऑक्सीजन भी नहीं जा पाती है और जड़ें गल जाती हैं या खराब हो सकती हैं। तो पहला काम जो रहेगा वो रहेगा मिट्टी को लूज करने का। अपने सभी पौधों की मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, जमीन में भी अगर पौधे हैं तो उसकी भी गुड़ाई कर लीजिए। लगातार पानी गिरने के कारण मिट्टी जो है ठोस हो जाती है और बिल्कुल चिपक जाती है, जिसके कारण एरिएशन नहीं हो पाता है और जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। थोड़ा सा एयर फ्लो जो मिट्टी में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसके कारण क्या होगा कि पोषण नहीं मिलेगा, धीरे धीरे पौधा पत्तियां गिराएगा और फिर डेड हो जाएगा। तो पहला काम यही करना है, सभी पौधों की मिट्टी को अच्छे से लूज करना है, गुड़ाई करनी है। ज़्यादा गहरी गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 से 2 इंच की गुड़ाई कीजिए और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जिस दिन आप गुड़ाई करें उस दिन पानी ना डालें। अब बारी आती है नंबर 2 काम की। तो दोस्तों बारिशों में पौधे पोषण लेते हैं क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ग्रोथ अच्छी करते हैं पौधे। तो ऐसे में बहुत से पौधे टेढ़े मेढ़े ग्रो कर जाते हैं या जितनी उनकी ग्रोथ हमें चाहिए होती है गमलों के अकॉर्डिंग उतनी नहीं हो पाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जब छोटे गमले में पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो पोषण प्रॉपर हम उनको नहीं दे पाते हैं। प्रूनिंग करने का ये बिल्कुल सही समय है। अगर आपके पौधे ओवरग्रो हो गए हैं या उनकी शेप बिगड़ गई है तो प्रूनिंग करने का ये बिल्कुल सही समय है। इससे लेट अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो पौधे डेड भी हो सकते हैं क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर धीरे धीरे पौधे डॉर्मेंसी की तरफ जाने लगेंगे और ऐसे में जब आप प्रूनिंग कर देंगे तो हो सकता है जनवरी दिसंबर में आपके पौधे खराब हो जाएं या डेड हो जाएं, क्योंकि दिसंबर जनवरी में प्रॉपर डॉर्मेंसी टाइम स्टार्ट हो जाता है, पौधे बिल्कुल ही डॉर्मेंट होते हैं। उस समय पर तो पौधे पानी भी बहुत कम लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ग्रोथ नहीं करेंगे फिर हो सकता है अगर आपने सारी पत्तियां ही हटा दी हो तो डेड भी हो जाए। तो ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि अब आगे धूप निकलेंगी, रात की ठंडक बढ़ेगी जिसके कारण इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रूनिंग करना चाहते हैं तो प्रूनिंग करने का ये बिल्कुल सही समय है। इसके बाद बारी आती है काम नंबर 3 की। तो दोस्तों क्योंकि बारिशों में जो इंसेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पनपते हैं तो पौधों पर इंसेक्ट्स का पैदा होना आम बात है, लेकिन वो जो इंसेक्ट्स हैं वो लगातार पौधों पर बने रहें तो आपके पौधे खराब हो सकते हैं। तो पौधों को खराब होने से बचाने के लिए आपको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती जाएगी और वो पत्तियों को खाना शुरू कर देंगे। जैसे ही पत्तियां डेड होंगी तो जड़ों तक ये प्रॉब्लम जाने में समय नहीं लगेगा और इंसेक्ट्स के कारण इन दिनों पौधे ज़्यादा खराब होते हैं। तो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपको लगता है आपके पौधों में किसी तरीके के इंसेक्ट्स का अटैक नहीं है तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। फिर भी अगर इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो नीम ऑयल काम नहीं करेगा, फिर आपको कोई हल्का सा इंसेक्टिसाइड ज़रूर लेना होगा। आप किसी भी सीड शॉप से ले सकते हैं, 50 रुपये तक की एक बॉटल अच्छी खासी आ जाती है जो 7 से 8 महीने आराम से निकाल देती है। अगर पौधे थोड़े हैं तो 1-2 साल भी चल जाती है। तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब जैसा कि मैंने बताया इंसेक्ट्स ऊपर लगते हैं, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो जड़ों में भी पौधे के हो जाती हैं। तो जड़ों में जो प्रॉब्लम होती हैं वो अक्सर फंगस की होती हैं। जड़ों में गांठें बन जाती हैं, ज़्यादा पानी के कारण फंगस पैदा हो जाती है, यानी बारिशों का पानी ज़्यादा मिलता है जिसके कारण फंगस पैदा हो जाती है। तो उसको दूर करना भी ज़रूरी है। उसके लिए हमें
फंगीसाइड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वही फिर इसका जो फंगस जो लगती है उसको डेड करेगा, और जड़ों में जो अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं ज़्यादा पानी की वजह से या मिट्टी के ठोस हो जाने की वजह से, उसको भी जो फंगीसाइड है वो मार देता है। कई बार क्या होता है कि बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं जो मिट्टी में अंडे दे देते हैं, एग दे देते हैं, और वो फिर जब नीचे पनपते हैं तो जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं, उसके कारण भी कई बार हमारा पौधा खराब हो जाता है। बेस्ट तरीका है 1 लीटर पानी में आप कम से कम, अगर लिक्विड फॉर्म में है 5 से 8 ml मिक्स कर सकते हैं, अगर पाउडर फॉर्म में है तो 2 से 5 ग्राम तक आप लिक्विड बना सकते हैं, यानी 2 से 5 ग्राम फंजीसाइड घोल लीजिए 1 लीटर पानी में और मिट्टी में डाल दीजिए। जितना पानी डालते हैं उतना ही डालिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा डालना है। जैसे कि एक पौधे को आधा मग पानी लगता है तो आधा मग ही आप डालिए। ये सवाल मुझे कई बार मिलता है कि कितना डालें, जितना पानी आप पौधे को देते हैं उतना ही आप डाल सकते हैं, वो चाहे खाद हो या फंजीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, अगर आप पानी में मिक्स करके दे रहे हैं तो उतना ही डालिए जितनी पौधे को पानी की ज़रूरत रहती है। इसके बाद जो अगला और ज़रूरी काम है दोस्तों, वो है खाद डालने का, फर्टिलाइज़र डालने का। मिट्टी की गुड़ाई की है, फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, क्योंकि बारिशों में क्या होता है, मिट्टी से पानी बहुत ज़्यादा निकलता रहता है, डलता रहता है, निकलता रहता है, तो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं बिल्कुल ही ना के बराबर रह जाते हैं, यूं कहिए कि छोटे गमलों में तो ख़त्म ही हो जाते हैं। पानी में होता है नाइट्रोजन, बारिश के पानी में थोड़ा फर्टिलाइज़र उनको मिलता रहता है, क्योंकि डायरेक्ट पानी मिल रहा होता है बारिश में, जैसे ही मिट्टी सूखती है वो जो न्यूट्रिशन उन्हें बारिश के पानी से मिल रहा था वो भी खत्म हो जाता है। अब मिट्टी में कुछ नहीं है तो मिट्टी को आपको पोषण देना है और वो उसे मिलेगा फर्टिलाइज़र के थ्रू। गोबर की खाद दे सकते हैं आप, कोई भी कंपोस्ट जो घर में किचन वेस्ट से बनाते हैं वो दे सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना आपको अच्छा लगता है, यानी जो किचन के वेस्ट से बनता है, छिलकों से बनता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर 10 दिन में उसका इस्तेमाल पौधों पर किया जा सकता है, क्योंकि वो पानी में हम मिक्स करके देते हैं तो वो ज़्यादा समय तक मिट्टी में नहीं रहता है, इसीलिए 10 दिन के बाद उसको रिपीट करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा बहुत से दोस्त पूछते हैं क्या सरसों की खली दे सकते हैं, तो अभी बिल्कुल सही समय है, दे सकते हैं, इसके बाद अवॉइड कीजिएगा, फिर आप सरसों की खली से बनी खाद मत दीजिएगा, खास तौर पे डोरमेंसी पीरियड में। तो अभी जो भी खाद देना चाहते हैं आप दे दीजिए। अगर आप कंपोस्ट नहीं डाल रहे हैं कोई भी, या लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो 10 दिन में रिपीट होगी, दिसंबर और जनवरी में बिल्कुल भी आप खाद पौधे को नहीं देंगे। अब जो अगला काम है वो है लोकेशन चेंज करने का। तो दोस्तों अब जो है धूप की लोकेशन भी चेंज होगी, और बारिशों के बाद धूप जो है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, और बहुत से एरिया आपने घर में नोटिस किया होगा कि जहां पर पहले गर्मियों में धूप नहीं आती अक्सर सर्दियों में आना शुरू हो जाती, तो लोकेशन को चेंज कीजिए अपने पौधों की, और कोशिश कीजिए कि उन्हें ऐसी लोकेशन दे जहां पर सर्दियों में उसे धीरे धीरे धूप मिलना स्टार्ट हो जाए। यानी आपके घर में अगर सर्दियों में धूप जिस एरिया में आती है उस एरिया में धीरे धीरे पौधों को ले जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सर्दियों में पौधों को अगर धूप मिलेगी तो उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, सारी पत्तियां फिर पौधे नहीं गिराएंगे। धूप न मिलने के कारण ही ज़्यादातर पौधे सर्दियों में अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो लोकेशन चेंज करने पर भी ध्यान रखिएगा, ये लास्ट काम रहेगा, क्योंकि लोकेशन चेंज करने में अभी वक्त है, धूप तेज़ है, तो धीरे धीरे आप ये काम कीजिएगा। और जितने पौधे आपने इंडोर रखे हुए थे उनको आप नवंबर में घर से, रूम से बाहर निकालने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो बाहर की हवा ले सके और हल्की फुल्की धूप उनको मिल सके, ग्रोथ अच्छी रहेगी आपके इंडोर प्लांट्स की। अगर आप सर्दियों के पौधों के बीज लगाना चाहते हैं, जो फूलों वाले पौधे होते हैं, या नए पौधे ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बिल्कुल सही समय है, पर कोशिश यही कीजिएगा परमानेंट पौधा अगर आप लेकर आएँ तो छोटा बिल्कुल ना लेकर आएँ, कम से कम इतनी ग्रोथ तो ज़रूर हो, 2 से 1.5 फुट की ग्रोथ ज़रूर हो पौधे की, अच्छी लश ग्रीन पत्तियाँ हो, वही पौधा लेकर आएँ, वही फिर सर्दियों में सर्वाइव कर पाएगा। बिल्कुल छोटा सा ले आते हैं या कोई अभी कटिंग ग्रो की थी नर्सरी वालों ने वो ले आते हैं तो वो चलती नहीं है, ज़्यादातर समय क्या होता है कि रीपॉटिंग करते वक्त या जैसे ही ज़्यादा ठंड बढ़ती है पौधा खराब हो जाता है। तो अच्छी ग्रोथ वाला पौधा हो, नीचे से जड़ें नज़र आ रही हो, वैसा ही पौधा लेकर आइएगा। तो कुल मिलाकर नए पौधे ऐड करने का भी ये बिल्कुल सही समय है, सर्दियों वाले पौधों के बीज लगाना चाहते हैं उनको भी आप अभी बाय करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी काम है जो आपको अपने गार्डन में अभी ज़रूर कर लेने हैं, क्योंकि अगर आप ये काम अभी नहीं करेंगे तो सर्दियों में पौधे अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उन वो जो अब बेडोल हो गए हैं पौधे उनको पोषण नहीं मिल पाएगा अगर आप ये काम नहीं करते हैं, और जिसके कारण उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और हो सकता है डोरमेंसी टाइम में पौधे खराब भी हो जाए।
तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए किसी न किसी रूप में हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।